नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार कार्यक्रमों की। तो शुरुआत करते हैं धारावाहिक उपनिषद गंगा के साथ और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा धारावाहिक उपनिषद गंगा में। तुमने उत्तर नहीं दिया विक्रम, तुमने महादेवी के अंतःपुर से लोगों को क्यों हटाया? उत्तर मैं देती हूँ सम्राट, आपके भाई की दृष्टि मुझ पर है। महादेवी, क्या ये सच नहीं है कि तुम मेरे अंतःपुर में सरलता से घुस सको, इसलिए सम्राट के विश्वस्त सेवकों को वहाँ से हटा दिया गया? ये अभी मंत्री था मैं सम्राट। अथर्ववेद में काम संबंधी 33 मंत्रों से यह अभिमंत्रित किया गया है, जो भी यह फल खाएगा वो चिर यौवन पाएगा। तो देखते रहिए धारावाहिक उपनिषद गंगा सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक सियारा में एक प्रेम कथा में आज आपको देखने को मिलेगा कि सिया की तिजोरी से पार्टी फंड का पैसा गायब हो जाता है। तिजोरी की चाबी वापस मिलने पर मंजरी बहुत खुश है। पापा जी, वो क्या बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? और पैसे कहाँ हैं, वो नहीं लेके आई तुम? पापा जी, पैसे तिजोरी में नहीं है। पैसे आपके पास नहीं? अरे पार्टी का फंड आप ही के पास तो था, फिर आपने उनका क्या किया? कल सुबह तक किसी ना किसी तरह करके पैसे पहुंचा दूं। इतने सारे पैसों का करोगी का? वो सब बाद में सोचा जाएगा, तुम जाओ और जल्दी से वो पैसे लाकर हमें दे दो। पर राम जी की कसम जी जी, हमने ना उठाए वो पैसे, हमने उन पैसों को हाथ तक ना लगाया है। अगर पैसे तुमने नहीं उठाए, हमने नहीं लिए, तो फिर वो पैसे गए कहां? तो आखिर किसने गायब किए पैसे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक सियाराम एक प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले में आज आपको देखने को मिलेगा कि ज्योति सावित्री को पिता के घर छोड़कर गांव से दूर जाने की तैयारी करता है, लेकिन सावित्री भी उसके साथ जाना चाहती है। तुम चाहो तो तुम यहाँ रुक सकती हो, मेरे पास ना तो घर है ना कोई मुझे किराए पे घर देगा पेशवा के डर से। मैं सब व्यवस्था कर लेता हूँ, फिर मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, लड़कियों का विद्यालय खोलने का सपना हम दोनों का था। जैसी करनी वैसी भरनी, अब पेशवा जी से भरी पंचायत में बहस करेंगे तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। चला था लड़कियों का विद्यालय खोल ले। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले रोजाना रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक क्यों की जीना इसी का नाम है में आज आपको देखने को मिलेगा कि मंगत अभिमन्यु को बताता है कि बड़े साहब ने हरीश को खत्म करने को कहा था, लेकिन वो माया से जा मिला है। बात क्या है मंगत बाबू? हरीश तो याद होगा तुम्हें, उसी को उड़ाने के लिए कहा था जीजा ने, पर वो जा छिपा माया के छप्पर में। हरीश जेल से माया के पास कैसे पहुंचा? गवाह नहीं मिला, माया ने बेल करवा ली उसकी, और हरीश से सौदा करके ये साबित करना चाहती है कि बड़े साहब बच्चों के कारोबार से जुड़े हैं। तो देखते रहिए धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।